समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि कई दल जो हैं, जिनसे बातचीत हो रही है या बातचीत हुई है या उन्होंने कभी कभी मदद की है, छोटे दलों से तो एडजस्टमेंट होगा लेकिन बड़े दलों से कोई गठबंधन नहीं होगा। आप बिल्कुल साफ पूछो ना, आधी घुमा के क्यों पूछते हो? नहीं, एकदम सीधा पूछे सवाल, माइक लगा के सीधा पूछिए। प्रकाश सिंह, समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन की संभावना है? मैंने आपसे कहा, मैंने लखनऊ में भी कहा, कई प्रेस के कार्यक्रम हुए उसमें भी कहा, समय समय पे लोगों ने कहा कि उस पार्टी को भी एडजस्ट करेंगे। जसवंत नगर उनकी सीट है, समाजवादी पार्टी ने वो सीट उनके लिए छोड़ दी है और आने वाले समय में उनके लोग मिले, सरकार बनाएं, उनके नेता को कैबिनेट मंत्री भी बना देंगे, और क्या एडजस्टमेंट चाहिए। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका, सही सवाल पूछ लिया आपने। क्या गोलमोल घुमा के पूछते रहे थे आप, इतनी उम्र और अनुभव के साथ गोलमोल बात कर रहे थे। और उसके बाद वो सरकार नहीं बना पाए, किस तरीके से आप देखते हैं वहां के रिजल्ट को? महागठबंधन को जनता ने समर्थन दिया, पूरा समर्थन जनता का उनके साथ था, सीटें भी लगभग जीत गए थे। इतना बड़ा धोखा लोकतंत्र में किसी के साथ नहीं हुआ होगा जितना धोखा भारतीय जनता पार्टी ने वहां के लोगों के साथ किया है और महागठबंधन को बेईमानी से हराया है। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को एक सीट मिली है, तो आने वाले विधानसभा में क्या लगता है, इस पर कोई असर पड़ेगा समाजवादी पार्टी? जितनी थी उतनी जीत गए, जब चुनाव डीएम एसपी एडीएम एसडीएम एसओ सिपाही लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी, उनकी सरकार के जितने भी अधिकारी थे वो सब चुनाव लड़ रहे थे। जी, आपने कहा कि बिहार चुनाव में गड़बड़ी हुई, क्या आपके पास का पार्टी पास कोई ऐसे प्रमाण मिले हैं कि वहां गड़बड़ी की आशंका? कमाल है, आप इतने बड़े चैनल में आप ही दिखा रहे थे कि बैलेट गड़बड़ हो गया। जो चुनाव में परिणाम आने चाहिए थे, जो जनता जान रही थी, जो समझ रही थी, सब सर्वे फेल हो गए। आप एक दिन से पहले दिन से सोचिए, इतना जन समर्थन किसकी रैली में था? सबसे ज्यादा जन समर्थन महागठबंधन की रैलियों में था। जितने भी देश के सर्वे थे, उन सर्वेयों में ऐतिहासिक जीत की तरफ बताया गया, लेकिन जब मशीन खुली, परिणाम आया, रिजल्ट रोके गए, सर्टिफिकेट किसी और को दे दिए गए। यही तो आरोप महागठबंधन के नेताओं का है, क्या ये नहीं हुआ? जी, एक आखिरी सवाल, और मायावती बहन जी के बारे में कहा जाता है कि वो पाला बदल लेती है, अभी काफी कुछ पार्टी के बारे में कहा भी उन्होंने, तो 22 में क्या संभावना है उनके साथ गठजोड़ हो सके? समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अपने छोटे दलों के साथ तो विचार कर सकती है, बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं। हेलो नेताजी, 2022 ब्राह्मणों का विशेष आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? समाजवादी पार्टी हर वर्ग से समर्थन मांग रही है और हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी से जुट रहे हैं, और मेरा सभी से अपील है और निवेदन भी है कि समाजवादी पार्टी विकास के रास्ते पर, और जो विकास किया उसका समर्थन करें। अध्यक्ष जी, 22 में यूपी में ऐसा ना हो जो बिहार में आपने देखा, उसके लिए क्या रणनीति आप समाजवादी? ये रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे, नहीं तो उन्हें जानकारी हो जाएगी।